मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेम्बर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल. माई सेल्फ डॉक्टर के सी सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जोलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चूरू, एफिलिएटेड टू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर. इन टूडेज लेक्चर सीरीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री आई एम गोइंग टू डिलीवर माई टॉक ऑन मेटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज बायोकेमिस्ट्री की व्याख्यान माला की श्रृंखला में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे मैं आपसे चर्चा करूँगा. पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने आपको बताया था कि शरीर में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है. और मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में तो क्या होगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है. जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और उसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है. इसलिए जितनी भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है और जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है. अब इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के भी दो पार्ट हो गए, एक तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म और एक प्रोटीन का एनाबॉलिज्म. अब प्रोटीन का जो कैटाबॉलिज्म है इसमें पांच रिएक्शन मैं आपसे शेयर करूंगा. एक तो डीएमिनेशन, सेकेंड रिएक्शन इसमें रहेगी ट्रांसएमिनेशन, तीसरी इसके अंदर इवेंट रहेगी फैट ऑफ कार्बन स्केलेटन, चौथी इवेंट इसमें रहेगी ऑर्निथिन साइकिल और लास्ट रिएक्शन इसमें रहेगी डी कार्बोक्सिलेशन. तो ये पांच मुख्य इवेंट हैं जो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं. और इसका जो सेकंड पार्ट है प्रोटीन एनाबॉलिज्म, उसमें क्या होगा कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो एमिनो एसिड का प्रोटीन में जो रूपांतरण है वो एक तरह का प्रोटीन सिंथेसिस की परिघटना है और ये व्याख्यान में अलग से आपके लिए मैं शेयर करूँगा बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है. सो टुडे वी विल मेनली फोकस ऑन कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स. और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में ये पांच परिघटना है जिसपे मैं आपसे शेयर करूँगा, डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, फैट ऑफ कार्बन स्केलेटन, ऑर्निथिन साइकिल और डी कार्बोक्सिलेशन. पहली जो परिघटना है इसमें दैट इज डीएमिनेशन है. अब डीएमिनेशन में नाम से स्पष्ट है कि एमिनोम्ल जो होते हैं, एमिनोम्ल से NH2 ग्रुप का अमोनिया के रूप में निष्कासन जो होता है वो डीएमिनेशन कहलाता है. यानी रिमूवल ऑफ अमोनिया, रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप फ्रॉम एन एमिनो एसिड इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन. और इस डीएमिनेशन में क्या होगा कि जितने भी एमिनो एसिड्स हैं उनका सबसे पहले ये डीहाइड्रोजनेशन होता है और डीहाइड्रोजनेशन जब होता है तो इसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव होगी. यह हाइड्रोजन किसी भी कोएंजाइम्स के द्वारा रिसीव होती है. ये कोएंजाइम फ्लेवोप्रोटीन्स भी हो सकता है, NAD भी हो सकता है और ये एमिनोम्ल अपने कॉरस्पॉन्डिंग इमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है. एमिनो एसिड कन्वर्टेड इंटू इमिनो एसिड और इमिनो एसिड है ये एक तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इसमें. और सेकेंड स्टेप इसमें अमोनिया निष्कासित होती है और अमोनिया निकलने के बाद में जो एमिनोम्ल था वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है. अब यहाँ पर एमिनोम्ल और कीटो एसिड इन दोनों में कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है. मान लीजिए पांच कार्बन एमिनोम्ल में है तो पांच कार्बन कीटो एसिड्स में होंगे, तीन कार्बन एमिनोम्ल में है तो तीन कार्बन कीटो एसिड्स में होंगे. और इस सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती है वो यहाँ पर यूटिलाइज होती है. इसमें एक मॉलिक्यूल पानी का रिमूव होगा और ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर काम में आता है. अब यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ग्लूटामिक एसिड जैसे. अब ग्लूटामिक एसिड जो है ये पांच कार्बन वाला एमिनो एसिड्स है. ये ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला है C(OH)CH2CH2CHNH2COOH. एंजाइम यहाँ पर होगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज. अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिमूव होगी ये NAD के द्वारा ग्रहण की जाती है और NAD NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है. यानी यहाँ पर NAD जो है इसका तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन.
अभी NADH2 क्रेब्स साइकिल ETS के अंदर प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वहाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा और 3 मॉलिक्यूल ATP की प्राप्ति होगी। और ये ग्लूटामिक एसिड, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इम्यूनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। और सेकेंड स्टेप में ये इम्यूनो एसिड जो था ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड्स के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आप जानते हो ये क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करता है और एनर्जी प्रोडक्शंस में ये पार्टिसिपेट करता है। तो डीएमिनेशन के अंदर ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो एमिनो अम्ल सबसे पहले कन्वर्ट होता है इम्यूनो एसिड्स में और इम्यूनो एसिड फिर कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो एसिड्स में। यहाँ पर कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती है, केवल एमिनो अम्ल में जो NH2 ग्रुप था वो NH2 ग्रुप यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और NH2 ग्रुप के स्थान पर यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। अब इसमें जो डी एमिनो एसिड्स जो होते हैं यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इन एमिनो एसिड्स के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होंगे ये एंजाइम होते हैं डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। और डी एमिनो एसिड्स में फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है। इसी तरह जो एल एमिनो एसिड्स हैं इसमें एंजाइम उत्तरदायी होता है एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज और इसके अंदर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है। अब चूंकि ग्लूटामिक एसिड जो है इसके अंदर ये फ्लेवोप्रोटीन्स, ये जो फ्लेवोप्रोटीन्स वाले कोएंजाइम है ये काम में नहीं आते हैं। यहाँ पर NAD जो है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये यहाँ पर कोएंजाइम का काम करता है। तो ये एक पहली रिएक्शंस है इसके अंदर डीएमिनेशन। अब ये डीएमिनेशन दो टाइप का होगा, एक तो ऑक्सीकारक प्रकार का ऑक्सीडेटिव और दूसरा इसमें होता है हाइड्रोलाइटिक टाइप का। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल मैंने कोट किया ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का है। हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन में क्या होगा, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स का यूज होता है, अमोनिया निष्कासित होती है, हाइड्रोजन जो निष्कासित होगी वो कोएंजाइम NAD के द्वारा ग्रहण की जाएगी। तो यहाँ पर ये जैसे एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, अमोनिया रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन जो रिमूव हो रही है ये कोएंजाइम NAD के द्वारा ग्रहण की जाती है और NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH+H के अंदर। और ये जो ग्लूटामिक एसिड था ये परिवर्तित हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। तो डीएमिनेशन की प्रक्रिया दो प्रकार की होगी, एक तो ऑक्सीकारक प्रकार की ऑक्सीडेटिव टाइप की और दूसरी जल अपघटनकारी या हाइड्रोलाइटिक प्रकार की। और दोनों ही रिएक्शंस में एमिनो एसिड अपने कॉरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब चलते हैं अपन सेकेंड रिएक्शंस में, दैट इज ट्रांसएमिनेशन। अब ट्रांसएमिनेशन में नाम से स्पष्ट है इसके अंदर अमोनिया ग्रुप जो होता है NH2 ग्रुप जो होता है इसका स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरण कहाँ होगा, एक एमिनो अम्ल का NH2 ग्रुप किसी कीटो एसिड में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद में एमिनो अम्ल से जब NH2 ग्रुप निकल जाता है तो वो कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और जिस कीटो एसिड के साथ NH2 ग्रुप जुड़ता है तो वो अपने संगत एमिनो एसिड्स में परिवर्त हो जाता है। तो इसमें सिंपली जैसे मान लीजिए ये एमिनो एसिड है, ये डोनर है, ये NH2 ग्रुप का डोनर है और ये कीटो एसिड ये रिसिपियंट है। तो इस एमिनो एसिड्स का NH2 ग्रुप इस कीटो एसिड को जब स्थानांतरित हो जाएगा, स्थानांतरित होने के बाद में ये जो एमिनो अम्ल है ये तो अपने संगत कीटो एसिड्स में परिवर्तित हो जाएगा और जो कीटो एसिड था इस पे NH2 ग्रुप जोड़ने के कारण ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार बॉडी के अंदर आपने देखा होगा कि यदि आप प्रोटीन्स आपकी डाइट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेब्स साइकिल के ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं कीटो एसिड्स होते हैं वो कीटो एसिड्स एमिनेशंस के द्वारा ट्रांसएमिनेशंस के द्वारा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एमिनो अम्ल फिर बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं उनका वो सिंथेसिस करते हैं। अब ये जैसे एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, ये एमिनो अम्ल है, अब ये ग्लूटामिक एसिड रिएक्शन कर रहा है पाइरूविक एसिड के साथ। अब पाइरूविक एसिड है ये कीटो एसिड्स है, ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस ग्लूटामिक अम्ल का ये जो NH2 ग्रुप है ये NH2 ग्रुप इस पाइरूविक एसिड के कीटो ग्रुप पे शिफ्ट होगा। तो आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ NH2 ग्रुप
ग्लूटामिक एसिड तो परिवर्तित हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड्स में, और जो पाइरुविक अम्ल था ये कन्वर्ट हो जाता है एलानिन के अंदर। अब लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो एक एमिनो अम्ल है, एक कीटो एसिड है, राइट साइड के प्रोडक्ट में एक कीटो एसिड है, एक एमिनो एसिड्स है। अब यहाँ पर जो एंजाइम की नोमेनक्लेचर जो होगी, इसमें पहला एमिनो अम्ल और राइट साइड का एमिनो अम्ल, इन दोनों को कोट किया जाता है और लास्ट में ट्रांस एमिनेज शब्द है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एलानिन ट्रांस एमिनेज, यानी ग्लूटामिक एसिड से एलानिन की फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूटामिक एलानिन ट्रांस एमिनेज। एक एग्जांपल और शेयर कर रहा हूँ उसमें, मान लो ग्लूटामिक एसिड रिएक्शन कर रहा है चार कार्बन वाले ऑक्जेलो एस्टिक एसिड के साथ। अब यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड एमिनो अम्ल है, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड ये कीटो एसिड है। अब ग्लूटामिक एसिड का एनएच2 ग्रुप कीटो एसिड पे जब स्थानांतरित हो जाएगा तो ग्लूटामिक एसिड तो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड्स में, और ऑक्जेलो एसिड जो होता है ये परिवर्तित हो जाता है एस्पार्टिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्लूटामिक एसिड, इसका एनएच2 ग्रुप शिफ्ट हुआ और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप के साथ ये लग गया। तो आफ्टर ट्रांसमिशंस क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड तो परिवर्तित हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, और जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड था ये परिवर्तित हो गया एस्पार्टिक एसिड में। तो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर एंजाइम का नाम क्या होगा, ग्लूटामिक एस्पार्टिक ट्रांसएमिनेज। तो लेफ्ट साइड का एमिनो अम्ल, फिर राइट साइड का एमिनो अम्ल, और उसके अंत में ट्रांसएमिनेज शब्द लिखने से इस रिएक्शन का एंजाइम है वो कोट हो जाता है। तो पहली रिएक्शन डीएमिनेशन होगी, सेकंड रिएक्शन ट्रांसएमिनेशन, जिसमें एक एमिनो अम्ल का एनएच2 ग्रुप किसी दूसरे कीटो एसिड पे स्थानांतरित होता है, तो एमिनो ग्रुप के ट्रांसफर की जो परिघटना है ये ट्रांसएमिनेशन कहलाती है, और इसमें एंजाइम जो होता है वो ट्रांसएमिनेज होता है। अब चलते हैं अपन तीसरी इवेंट, इसके अंदर फैट ऑफ कार्बन स्केलेटन। अब क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड जब डीएमिनेशन होगा, ट्रांसएमिनेशन होगा, तो इसके अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, कीटो एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब ये कीटो एसिड्स का आगे चल के फ्यूचर क्या है, क्योंकि आपने जैसे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है, क्रेब साइकिल पढ़ी है, और क्रेब साइकिल है वो 10 पदों के अंदर संपन्न होती है, और क्रेब साइकिल के अंदर 6 कार्बन वाले एसिड्स भी हैं, 5 कार्बन वाले एसिड्स भी हैं, 4 कार्बन वाले एसिड्स भी हैं, और क्रेब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक पूल के नाम से भी जाना जाता है। उपापचय के शमशान घाट के रूप में भी मानते हैं इसको, है ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल मेटाबोलाइट्स। आप कोई भी चीज़ खा लो भोजन के रूप में, वो लास्ट में उसका जो फाइनल जो डिग्रेडेशन है वो क्रेब साइकिल के अंदर ही संपन्न होता है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड जो होंगे इनके 5 पाथवे कोशिका में संपादित हो सकते हैं। एक तो सिंथेटिक पाथवे, सेकंड इज ग्लूकोजेनिक पाथवे, थर्ड इज कीटोजेनिक पाथवे, चौथा है बोथ ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक पाथवे, और लास्ट में अदर पाथवे। अब सिंथेटिक पाथवे में क्या होगा, इसके अंदर जो भी एमिनो अम्ल है उसके करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड की फॉर्मेशन होती है, कीटो एसिड से एमिनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर संश्लेषण वाली क्रियाएं संपादित होती है, इसलिए इसको संश्लेषी पथ या सिंथेटिक पाथवे के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोजेनिक पाथवे में क्या होगा, इसके अंदर जो एमिनो अम्ल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे एमिनो अम्ल से कोई कीटो एसिड बना और वो कीटो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकता है, ये जो ग्लूकोज बना ये ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन कर सकता है। तो जब एमिनो अम्ल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की जब प्राप्ति होती है तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने वाले जो एमिनो अम्ल हैं उसका जो साइकिल होगा वो ग्लाइकोजेनिक पाथवे के नाम से जाना जाता है। तीसरी है कीटोजेनिक पाथवे। कीटोजेनिक पाथवे में क्या होता है, इसके अंदर कीटोन बॉडीज बनती है। तो कई बार एमिनो अम्ल जो है एमिनो अम्ल अपने कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एस्टो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो एमिनो अम्ल हैं वो कीटोजेनिक पाथवे को फॉलो करते हैं। कुछ एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं,
कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, यानी बहुत ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक। और इसके जो मेन एग्जांपल है इसके अंदर जैसे आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये अमीनो एसिड ऐसे हैं जो ग्लूकोज के निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं, कीटोन बॉडीज के निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं। और रिमेनिंग जो है वो अदर पाथवे, क्योंकि अपने बॉडी में लगभग 40,000 तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो संपादित होती है, हर सेल में कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती है। और लीवर जो होता है वो बॉडी का मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, लीवर इज कंसीडर्ड एज मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। अब ये एक नट सेल में कॉमन साइकिल जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, ये जैसे क्रैब साइकिल है। अब क्रैब साइकिल के अंदर अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड है 5 कार्बन का, इसके अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम है 4 कार्बन का, फ्यूमेरिक एसिड है 4 कार्बन का, ऑक्सलोएस्टिक एसिड है 4 कार्बन का। अब ये अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड इसके अंदर 5 कार्बन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इसके अंदर 4 कार्बन है, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर 4 कार्बन है, ऑक्सलोएस्टिक एसिड के अंदर 4 कार्बन है। अब इसके अंदर एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरिन और थ्रियोनाइन, ये 5 अमीनो अम्ल जो होते हैं ये पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, और पाइरुविक एसिड बाद में एस्टिल कोएंजाइम में परिवर्तित होता है, एस्टिल कोएंजाइम में ये क्रेब साइकिल के अंदर प्रवेश करते हैं। अब मान लो आपकी डाइट में सपोज एलानिन है तो एलानिन पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुविक एसिड एस्टिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और एस्टिल कोएंजाइम में से क्रेब साइकिल की है वो संपादित होती है, तो एनर्जी प्रोडक्शंस में ये भूमिका निभाते हैं। इसी तरह फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये बनाते हैं एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए, एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए फिर क्रेब साइकिल के अंदर प्रवेश करता है। इसी तरह एस्पार्टिक एसिड और एस्पारजिन ये परिवर्तित हो सकते हैं ऑक्सलोएस्टिक एसिड में। इसी तरह आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन ये कन्वर्ट हो सकते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में। इधर जो आर्जिनिन है, हिस्टिडिन है, ग्लूटामिन है, प्रोलिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो सकते हैं अल्फा कीटो ग्लुटारिक एसिड्स में। और आइसोल्यूसिन, मेथियोनाइन, वेलिन ये परिवर्तित हो जाते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। और इधर जो टायरोसिन, फिनाइल एलानिन ये कन्वर्ट हो सकते हैं फ्यूमेरिक एसिड्स में। तो ये बॉडी में पाए जाने वाले एमिनो एसिड का भविष्य है, एमिनो एसिड्स का फेट है, यानी कौन कौन से एमिनो अम्ल किस किस प्रोडक्ट के अंदर किस किस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये जो कन्वर्जन होगा इसमें कई तरह की उपापचय क्रियाएं बॉडी के अंदर संपादित होती है, तो यहाँ पर संश्लेषण पथ में जो भाग लेते हैं वो सिंथेटिक पाथवे हो गया, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन भाग लेते हैं वो ग्लूकोजेनिक पाथवे हो गया, कीटोन बॉडीज और एस्टोएसिक एसिड की फॉर्मेशन भाग लेते हैं वो कीटोजेनिक पाथवे हो गया, कई बार दोनों रिएक्शन संपादित होती है, और बची हुई अदर पाथवे। तो अपनी बॉडी में आपके डाइट में यदि प्रोटीन है तो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट भी बन सकता है, प्रोटीन से वसाएं भी बन सकती है, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बन सकता है, वसा से प्रोटीन्स बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट से वसा बन सकती है, वसा से कार्बोहाइड्रेट बन सकती है। तो बॉडी के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, फूड मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, और इंटर कन्वर्जन की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बॉडी के अंदर संपादित होती रहती है। अब चौथी जो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, दैट इज ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन चक्र है ये लीवर के अंदर संपादित होगा, और ऑर्निथिन चक्र में क्या होगा, डीएमिनेशन में जो अमोनिया निकलती है ये अमोनिया लीवर में यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए ऑर्निथिन चक्र जो होता है ये लीवर की कोशिकाओं के अंदर संपादित होता है। और इस ऑर्निथिन चक्र की खोज सबसे पहले क्रैब और हैंसलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी, और ये ऑर्निथिन का संश्लेषण 5 पदों में संपन्न होता है। इसके अंदर सबसे पहली जो स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कार्बेमाइल फॉस्फेट, कार्बेमाइल फॉस्फेट का संश्लेषण,
सेकेंड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन, सिट्रुलिन का संश्लेषण। तीसरी स्टेप है इसमें सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनोसक्सनिक एसिड, आर्जिनिनोसक्सनिक एसिड का संश्लेषण। और चौथी स्टेप है क्लीवेज ऑफ आर्जिनिनोसक्सनिक एसिड, इसमें आर्जिनिनोसक्सनिक एसिड का विदलन होता है, क्लीवेज होता है। और पांचवी स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड रिजॉर्प्शन ऑफ ऑर्निथिन, यूरिया की फॉर्मेशन और ऑर्निथिन का रिजॉर्प्शन या वापस रीयूटिलाइजेशन। तो ऑर्निथिन चक्र ये पांच पदों में संपन्न होता है और इसको ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पर जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल अमोनियम आयन। यहाँ पर सबसे पहली जो अमोनिया है ये अमोनियम आयन के रूप में यहाँ पर एंटर करती है, एक मॉलिक्यूल पानी का प्लस एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड और दो एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पर काम में आता है। मैग्नीशियम आयन यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करता है और इन सभी के कॉम्बिनेशन से सबसे पहला जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा दैट इज कार्बेमाइल फॉस्फेट। तो सबसे पहले पद में कार्बेमाइल फॉस्फेट का संश्लेषण होता है और एडीपी जो होती है ये एटीपी जो होती है ये एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में सिट्रुलिन की फॉर्मेशन होती है और सिट्रुलिन में क्या होता है कि ऑर्निथिन जो होता है ये ऑर्निथिन कार्बेमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्शंस करेगा। ऑर्निथिन जब कार्बेमाइल फॉस्फेट से रिएक्शंस करता है तो सिट्रुलिन की फॉर्मेशन होती है और इसमें एंजाइम काम में आएगा ऑर्निथिन कार्बेमाइल ट्रांसफरेज, ऑर्निथिन कार्बेमाइल ट्रांसफरेज। अब थर्ड स्टेप में ये जो सिट्रुलिन है, अब यहाँ पर सेकेंड इसके अंदर जो एन एस टू ग्रुप है वो एस्पार्टिक एसिड के थ्रू प्रवेश करेगा, तो एस्पार्टिक एसिड के थ्रू इसके अंदर नाइट्रोजन की एंट्री होती है, मैग्नीशियम आयन यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करता है, एक मॉलिक्यूल एटीपी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है और सिट्रुलिन ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनोसक्सनिक एसिड में। तो सिट्रुलिन का आर्जिनोसक्सनिक एसिड में रूपांतरण होता है और इसमें एंजाइम होता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। अब चौथी स्टेप में ये जो आर्जिनोसक्सनिक एसिड है ये आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन के अंदर और फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। ये फ्यूमेरिक एसिड जो होता है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करता है, इट एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल और ऊर्जा उत्पादन में ये भाग लेगा। और लास्ट स्टेप में आर्जिनिन जो होता है ये आर्जिनेज एंजाइम के द्वारा स्प्लिट हो जाता है, विपाटित हो जाता है और यहाँ पर यूरिया की फॉर्मेशंस होती है और ऑर्निथिन जो होता है ये वापस यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगा और ये ऑर्निथिन वापस इसी चक्र को प्रारंभ करता है। तो ये शॉर्ट में एक ऑर्निथिन चक्र जिसमें अमोनिया का यूरिया के अंदर रूपांतरण होता है। इसीलिए जो आदमी प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा खाते हैं तो उसके अंदर देखा होगा कि नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होती है। जो आदमी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं उनमें इतने वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। जो व्यक्ति फैटी एसिड्स फैट ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो कई बार प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, आदमी भूखा रहता है, फास्टिंग करता है, खाना नहीं खा रहा है, उस केस में पेशाब में कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट जो पाथवे है इसमें दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, जो एमिनो अम्ल जो होते हैं इन एमिनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और एमिनो अम्ल से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो ये एमिनो अम्ल अपने कॉरस्पॉन्डिंग एमिन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक कार्बन की कमी हो रही है, मान लो किसी एमिनो अम्ल में पांच कार्बन है तो इससे जो एमीन बनेगा उसके अंदर चार कार्बन होंगे। और बायोजेनिक एमीन जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरह के ये इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, एक तरह के लोकल हार्मोन्स हैं और शरीर के अंदर सैकड़ों प्रकार के फंक्शंस इन बायोजेनिक एमीन्स के द्वारा संपादित होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जैसे सेरीन एमिनो एसिड है, इसका यदि डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो ये इथेनॉल एमिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थ्रियोनाइन जो होता है, थ्रियोनाइन का यदि डी कार्बोक्सिलेशन हो तो ये प्रोपेनॉल एमिन में कन्वर्ट हो जाता है। एस्पार्टिक एसिड का यदि डी कार्बोक्सिलेशन हो तो
तो ये बीटा एलानिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। टायरोसिन का डी कार्बोक्सिलेशन हो तो ये टायरेमिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्टोफैन का डी कार्बोक्सिलेशन होने पर यह ट्रिप्टामीन में कन्वर्ट हो जाता है। 6-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन का डी कार्बोक्सिलेशन हो तो ये सीरेटोनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारे बायोजेनिक एमीन हैं। इसके अलावा भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे डोपामीन है, हिस्टामीन है, टायरेमीन है। तो बॉडी के अंदर सैकड़ों प्रकार के बायोजेनिक एमीन्स की फॉर्मेशन होती है। और ये बायोजेनिक एमीन जो है, इनका फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये फॉस्फेटाइड की फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, विटामिन B1-2 के संश्लेषण में भाग लेते हैं, कोएंजाइम ए के सिंथेसिस में भाग लेते हैं, गर्भाशय के संकुचन में पार्टिसिपेट करते हैं, हार्मोन की फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, और कई बार ये टिश्यू हार्मोन का भी काम करते हैं, जिसको लोकल हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो कई बार जैसे आदमी का जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसमें धमनियों का चौड़ा होना बहुत जरूरी है, यानी वैसोडाइलेशन, अदरवाइज तो क्या होगा, रक्तवाहिनियाँ फट जाएगी, आदमी की डेथ हो जाती है। इसी तरह आदमी का ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है, उसमें रक्तवाहिनियों का सिकुड़ना बहुत जरूरी है, उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो वैसोडाइलेशन होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसमें इन बायोजेनिक एमीन्स का ही रोल होता है। और ये दर्द सहने में भी काम में आते हैं। कई बार देखा, दो आदमी आपस में फाइटिंग कर रहे हैं और आपस में चक्कू छुरे चल गए, तलवार चल गई हैं, अंगुलियां कट गई, हाथ पैर कट गए, उसमें आदमी रोता नहीं है, दर्द की अनुभूति नहीं होती है। उसका मेन रीजन क्या है, उसमें ये लोकल हार्मोन है, उनका सिंथेसिस होता है। तो ये एक नट सेल में आज का अपना व्याख्यान, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का कैटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है वो मैंने आपसे यहाँ शेयर किया है। और कैटाबॉलिज्म में 5 मुख्य इवेंट आपसे मैंने डिस्कस करी है। एक तो डिएमिनेशन, सेकेंड इज ट्रांसएमिनेशन, थर्ड इज फैट ऑफ कार्बन स्केलेटन, फिफ्थ इज ऑर्निथिन चक्र, और लास्ट स्टेप है डी कार्बोक्सिलेशन। और एक बार नट सेल में बहुत ही संक्षेप में इसको मैं रिपीट कर दूं। पहली जो रिएक्शन है डिएमिनेशन, डिएमिनेशन में क्या होगा, एमिनोमल से NH2 ग्रुप का निष्कासन होता है। तो एमिनोमल से NH2 ग्रुप के निष्कासन की परिघटना ये डिएमिनेशन कहलाती है। और डिएमिनेशन दो तरह का होता है, एक तो ऑक्सीडेटिव डिएमिनेशन, एक हाइड्रोलाइटिक डिएमिनेशन। और डिएमिनेशन में क्या होगा, जो एमिनोमल होता है ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कार्बन की संख्या वही रहती है। तो यहाँ पर जैसे एक ग्लूटामिक एसिड ये कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड्स के अंदर। हाइड्रोलाइटिक का ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो गया हाइड्रोलाइटिक इसके अंदर कीटो एसिड्स के अंदर। और ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, एक एमिनोमल का NH2 ग्रुप दूसरे कीटो एसिड्स पे शिफ्ट होता है। तो शिफ्टिंग के कारण जो एमिनोमल है वो तो अपने संगत कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कीटो एसिड होता है वो अपने करस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एमिनोमल का कीटो एसिड्स में रूपांतरण हो जाता है, कीटो एसिड्स का एमिनोमल में रूपांतरण हो जाता है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने शेयर किए हैं, ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुविक एसिड इक्वल टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस एलानिन। सेकेंड एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्सलोएस्टिक एसिड इक्वल टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड। तो एमिनोमल से कीटो ग्रुप में NH2 ग्रुप के स्थानांतरण की जो परिघटना है ये ट्रांसएमिनेशन के नाम से जानी जाती है। और कार्बन का जो फैट होता है, अब ये एमिनो एसिड होते हैं, कुछ पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, कुछ एसिटिल कोएंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं, कुछ एसिटो एसिटिल एंजाइम फॉर्मेशन करते हैं, कुछ ऑक्सलोएस्टिक एसिड बनाते हैं, कुछ फ्यूमरिक एसिड बनाते हैं, कुछ सक्शनल कोएंजाइम बनाते हैं, कुछ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड्स बनाते हैं। तो जिस तरह की सिंथेसिस होती है उसके अकॉर्डिंग ये एमिनोमल ग्लूकोजेनिक प्रकार के हो सकते हैं, कीटोजेनिक प्रकार के हो सकते हैं, कुछ में दोनों ही प्रॉपर्टीज पाई जाती है और कुछ में मिक्स टाइप की प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती है। और ऑर्निथिन चक्र में क्या होगा, अमोनिया जो बनती है ये लीवर के अंदर यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया इज कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल, और ये लीवर की कोशिकाओं में संपादित होती है। और लास्ट जो डीकार्बोक्सिलेशन है, इसमें एमिनोमल से CO2 रिलीज होगी, और CO2 के रिलीज होते ही एमिनोमल बायोजेनिक एमीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और बॉडी में कई तरह के बायोजेनिक एमीन्स बनते हैं, जो लोकल हार्मोन्स का काम करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन पार्टिसिपेट करते हैं,
इंपल्स प्रोपिगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लोकल मेडिसिन के रूप में काम करते हैं, दर्द सहने में काम में होते हैं। तो सैकड़ों तरह के फंक्शंस बायोजेनिक एमिन्स के द्वारा संपादित होते हैं। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। और इस व्याख्यान में केवल कैटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है वो मैंने आपसे शेयर किया है, और इसमें डिटेल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले मैंने ले लिए, क्योंकि बीएससी कोर्स में केवल नोमेनक्लेचर टर्मिनोलॉजी है वही इंक्लूड होती है, और एमएससी में यही ऑर्निथिन साइकिल जब हम बच्चों को टीच करते हैं तो उसमें इनके केमिकल फॉर्मूले हैं वो भी साथ में लिखे जाते हैं। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आज के अपने व्याख्यान का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एंड आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। और अंत में हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।